अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हो और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग कैसी करनी है, सब्जियां कैसे उगानी है, मिट्टी कैसे बनानी है, और अगर आप टेरेस पर गार्डनिंग करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। हम इस वीडियो में आपको टेरेस पर गार्डनिंग कैसे करनी है और हमारे गार्डन में हमने शुगर केन तक का उगा कर रखा है, ये आप देख रहे हैं, ये शुगर केन है, ये हमारे बैकयार्ड गार्डन में शुगर केन है और हमने टेरेस पर भी काफ़ी सारे शुगर केन उगा के रखे हैं। तो वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस तरह से हार्वेस्टिंग ले सकते हो। नमस्कार, मैं सुप्रिया बाकल महाराष्ट्र से, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुप्रियाज किचन गार्डन में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम हार्वेस्टिंग करते जाएंगे और आपको एक एक चीज़ बताते जाएंगे कि किस तरह से आपको शुरुआत करनी है गार्डनिंग की। सबसे पहले गार्डनिंग के लिए आपके पास थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, थोड़ी सी खाद चाहिए और गमले अगर ना भी हो तभी भी चलेगा, क्योंकि गमले के बजाय आपके जो गेहूं के आटे के जो बोरे आते हैं उसी में आप गार्डनिंग आपकी शुरू कर सकते हो। हम तो चाहेंगे कि शुरुआत में आप ज़्यादा बजट में गार्डनिंग ना ही करो। और ये हमने हमारे बैकयार्ड से एक गन्ना हार्वेस्ट किया है, अभी ऊपर चलेंगे, ऊपर वाले टेरेस से हम गन्ना हार्वेस्ट करते हैं। तो चलिए, और हम बात कर रहे थे कि आप गमले की पैसे बचा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वो सबसे ऊपर वाला टेरेस है और यहाँ पर हमने पूरा सेटअप बना के रखा है। शुरू शुरू में तो हमने ये देखिए, ये बंदर है ना, हमारे गार्डन में हमेशा आते हैं और सब कुछ ख़राब करके सब खाते हैं, कुछ फेंकते हैं, सब खा कर फेंक कर चले जाते हैं और बहुत परेशान भी करते हैं। लेकिन क्या करें ना, कि हमें गार्डनिंग तो करनी होती है। यहाँ पर भी देखिए, ये सारे बंदर ने टमाटर वगैरह फेंक कर, और यहाँ देखिए अनार, अनार तो हमें खाने को कभी भी नहीं मिलते हैं, हम आपको वीडियो में दिखाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं और बंदर आकर बस तोड़कर फेंक कर चले जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अनार का पौधा हम हमारे बैकयार्ड गार्डन में लगा दें। ये देखिए इस तरह से वो खाते हैं। और हमारे बैकयार्ड गार्डन में भी एक ऑलरेडी अनार का पौधा है, लेकिन फिर भी देखते हैं, अभी हम इस अनार के पौधे को हम नीचे ही ले जाते हैं। और यहाँ पर जो शुगर केन है ना, शुगर केन को भी देखिए, ऊपर ऊपर के शुगर केन तोड़ देते हैं, लेकिन उनको भी तो खाने को कुछ नहीं मिलता, तो वो आ जाते हैं, लेकिन हर रोज़ नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं तो इतना सारा थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी हार्वेस्टिंग मिलती है, हम आपको हर बार हार्वेस्टिंग दिखाते भी हैं। हाँ, तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं, हम थोड़ा सा इधर उधर घूम भटक जाते हैं हमारे टॉपिक से। तो फ्रेंड्स, आप शुरू में गार्डनिंग जब भी करोगे तो कम बजट में गार्डनिंग करें, क्योंकि देखिए शुरू में हमें नॉलेज नहीं होता है कि सब्जियां कैसे उगानी है, हम थोड़ा सा यूट्यूब पर देखकर सर्च करके हम सीखते हैं और शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी जब तक हम हमारे एक्सपीरियंस से नहीं सीखते हैं ना, तब तक हमें पूरी तरह से गार्डनिंग आती नहीं है। देखकर गार्डनिंग हम सीख सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें गार्डनिंग एक्सपीरियंस के बाद ही आती है। तो इसीलिए आप शुरू शुरू में थोड़े से जो बोरे वगैरह आते हैं उसी में अपनी मिट्टी भर दे और उसमें उसी में बेले लगाए। और बेले लगाने के लिए क्या सीड्स खरीदने होंगे आपको, और काफ़ी सारे सीड्स तो हमें हमारे किचन में से ही मिल जाते हैं, जैसे कि जो प्याज होते हैं घर में हम जो खाते हैं, वो प्याज को आप लगा सकते हो, लहसुन की कलियों को लगा सकते हो, और जो पालक हम मार्केट से लाते हैं उसके जो रूट्स होते हैं उसे भी आप ग्रो कर सकते हो। हमारे चैनल पर ये सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप चाहे तो उसे चेक भी कर सकते हो कि किस तरह से हम अपने किचन में से सीड्स भी निकाल सकते हैं। जो मिर्ची आती है चिली, उसके भी आप मार्केट में जो चिली आती है वो अगर रेड कलर की चिली हो पकी हुई, तो उसके भी सीड्स आप ग्रो कर सकते हो। टोमेटो आपके घर में होते हैं जो मार्केट से आप लाते हो, उसके भी सीड्स आप ईजीली ग्रो कर सकते हो। और जो आलू होता है, पोटैटो, उसे भी आप ग्रो कर सकते हो। इतने सारे सीड्स तो आपको अपने घर में ही मिलेंगे, तो आपको है ना सीड्स खरीदने के भी पैसे बहुत कम लगेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप बैंगन और दूसरी सब्जियां उगाना चाहते हो तो उसके सीड्स आपको थोड़े बहुत लेने पड़ेंगे मार्केट से। तो सीड्स भी ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, आपको छोटे छोटे पैकेट्स में सस्ते में भी मिल जाएंगे सीड्स। और ये शुगर केन भी आप मार्केट में से जो शुगर केन लाते हो उसी के कटिंग से आप इसे ग्रो कर सकते हो।
उसे कैसे लगाते हैं इस पर हमने डिटेल वीडियो बना के रखा है, आप चाहे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे कुछ जो प्लांट्स है गेंदे के, अभी वो सूख रहे हैं फ्लावर्स, तो वो भी हम हटा देते हैं गार्डन में से। बीच बीच में हमें सूखे हुए प्लांट्स को हटाना होता है, तो वो भी काम हम यहाँ पर कर लेते हैं। और शुरू में आपको मिट्टी कैसे बनानी है उस पर भी हमने वीडियोस बना के रखे हैं, आप चाहे तो हमारे चैनल पर चेक कर सकते हो। लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि मिट्टी बनाते समय आपको मिट्टी लेनी है गार्डन सॉइल 50% और 30% में आपको गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर लेना है, और 10% रिवर सैंड लेनी है, और 10% आपको कोकोपीट लेना है। रेत मिलाने से आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और आपके गमले का पानी भी ड्रेन आउट हो जाएगा अच्छे से। लेकिन गोबर की खाद आपको 6 महीने से 1 साल तक की पुरानी खाद लेनी है, ताकि वो अच्छे से डिकम्पोज हुई हो, वरना नई खाद अगर आप लेंगे तो उससे आपके प्लांट्स के रूट्स डैमेज हो सकते हैं। और कोकोपीट भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। कोकोपीट की जो ईंटें आती है उसे पानी में भिगोकर 2-3 पानी में वॉश करने के बाद ही आप उस कोकोपीट को यूज़ कर सकते हो। कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, इसलिए टेरेस गार्डनिंग में कोकोपीट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और मिट्टी में आपके फंगस ना लगे इसलिए आपको फंगीसाइड ऐड करना है। उसके लिए आपको 1 चम्मच हल्दी मिलानी है और थोड़ी सी नीम खली मार्केट में आपको मिल जाएगी, वो भी थोड़ी सी मिलानी है मुट्ठी भर। तो आप हमारा जो शुरू का वीडियोस देखेंगे फ्रेंड्स, तो हमने भी बोरे में ही गार्डनिंग शुरू की थी, लेकिन जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो वैसे वैसे कॉन्फिडेंस भी आता गया, तो हम फिर गार्डनिंग में हमने ये कैरिया बनाई। और ये कैरिया हमने वाटरप्रूफ कैरिया बनाई है, और ये कैरिया हमने कैसी बनाई है उस पर भी हमने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए, हमने फर्स्ट फ्लोर के बैक साइड का टेरेस है उस पर हमने ये देखिए ये बेल लगा रखी है, सेम की बेल, और उसमें फ्रूटिंग देखिए भर भर के फ्रूटिंग हो रही है। और ये हमेशा हम आपको दिखाते भी है, तो ये बेल अभी बस इसका सीज़न ख़त्म ही होने वाला है। जैसे ही सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो हम इस बेल को हटा देंगे और दूसरी बेल लगा लेंगे, जैसे कि लौकी की बेल लगा सकते हैं, तोरई, ककड़ी वगैरह ये सब। और देखिए इसमें इतनी फ्रूटिंग ले रहे हैं हम, तो इसमें क्या है ना कि खाद अच्छे से अगर हम डालते हैं कोई भी फ्रूटिंग वाली बेलों पर, तो हमें फ्रूटिंग भी अच्छी तरह से मिलती है। मिट्टी हमारी स्वस्थ होनी चाहिए, अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ है तो हमारे प्लांट्स में कोई कीट भी ज़्यादा आते नहीं हैं, और ऑर्गेनिक गार्डनिंग में वैसे भी ज़्यादा कीट नहीं होते हैं। लेकिन ये जो सेम की बेल है इसमें काले काले कीट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो हमें इतना ध्यान देना होता है कि जो शुरुआत में जो अगर हमें काले कीट वो दिखते हैं ना, तभी हमें ऑर्गेनिक स्प्रे करना होता है और कंट्रोल करना पड़ता है, और उसके बाद फिर बार बार वो कीट नहीं होते हैं, तो उस टाइम हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। और ये बेल भी हमने बोरे में ही लगाई है, आधे कटे हुए ड्रम में लगाई है। जो भी बेले वाली सब्जियां होती है उनको ना थोड़ा बड़े साइज़ का हमें पॉट देना होता है, तो फ्रूटिंग अच्छी करती है। तो फ्रेंड्स, बातों बातों में हमारी हार्वेस्टिंग भी ख़त्म हो चुकी है, और हमने आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी दी है। अगर आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हो तो ज़रूर करें, और हमें हम हर बार आपके साथ है, आपको गाइडेंस करते रहेंगे। आप हमें कोई भी क्वायरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर छोड़ दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, प्लांट्स लगाओ, नेचर बचाओ, ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो। तो मिलते हैं इसी तरह के नए नए वीडियोज़ के साथ और गार्डनिंग टिप्स के साथ। थैंक यू।